नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो वीडियो है वो होने वाला है कंफर्ट को लेके। ये है एक फैब्रिक कंडीशनर और आप देख सकते हैं कि मैंने इसके जो है काफ़ी जो है फ्रेग्रेंसेस काफ़ी आते हैं, तो मैंने पर्पल वाला यूज़ किया, ब्लू वाला यूज़ किया है, पिंक वाला यूज़ किया। इससे पहले मैंने एक लिया था सॉफ्ट टच का, वो भी फैब्रिक कंडीशनर है, बट उसकी स्मेल मैंने 2 या 3 ट्राई की थी, बट वो मेरे को अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने कंफर्ट का ये जो है वो ट्राई किया था। तो सबसे पहले तो मैंने इनकी बॉटल्स ही मंगाई थी, इसमें एक ब्राउन और गोल्डन शेड का भी था, वो भी मैंने यूज़ किया, उसका भी मेरे को नाम याद नहीं है। अगर मेरे को पिक मिलती है तो मैं पिक डाल दूंगी साइड में। उसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, ब्लू वाले की भी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है, और उसकी लिली वाले फ्रेश जो है उसकी भी अच्छी है। अब बात करते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करता है और कितने का आता है, क्या है सब कुछ। तो सबसे पहले तो ये रिफ़िल में, सबसे अच्छी बात है कि ये रिफ़िल में भी आपको मिल जाता है, ठीक है। आप चाहे मॉल से लें, चाहे बिग बास्केट लें, ऑनलाइन लें, कहाँ से भी लें, तो ये रिफ़िल मिल जाती है। और अगर आप चाहें तो आपको इस तरह से, अगर पहले फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसका छोटा पैकेट भी मिलता, मतलब छोटी बॉटल्स भी मिलती है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कपड़ों के लिए होता है, जिस प्रकार हमारे बालों को शाइनी और स्वस्थ बनाने के लिए कंडीशनर की ज़रूरत होती है, वैसे ही ये जो कंफर्ट है वो हमारे कपड़ों का कंडीशनर है। ये अपने कपड़ों को जिस तरीके से मशीन में या हाथ में से हम जब कपड़े धोते हैं तो उनके जो रेशे हैं वो कट जाते हैं, तो उन और फिर हो गया धीरे धीरे हमारे कपड़ों की चमक चली जाती है, पुराने हो जाते हैं, तो उसके लिए ये जो है ये बहुत काम होता है। आपके नए के नए कपड़े जो हैं वो अगर मशीन में जिस तरीके से रगड़े जाते हैं उनसे बचाता है, उनको सॉफ्ट कर देता है, तो वो आपस में रगड़ खा के ख़राब नहीं होते, उनके रेशे ख़राब नहीं होते, उनमें एक शाइन देता है और खुशबू तो देता ही देता है। मैं ये इसलिए लेके आई थी क्योंकि मानसून में ये होता है, कपड़ों में पानी की स्मेल रह जाती है, चाहे आप सुखाओ पर इतने सूखने के बाद भी उनमें पानी की स्मेल रह जाती है, खासकर मानसून में। तो मानसून के लिए मुझे लगा कि इसमें अगर हम फ्रेग्रेंस डालते हैं कपड़ों में तो ये है कि उनमें स्मेल नहीं होगी, पानी की जो अजीब सी रहती है वो नहीं होगी, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा है ये। अगर आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ बारिश बहुत हो रही है और आपके कपड़ों में सीलन की स्मेल आती है, तो इसको डालने के बाद आप के सीलन की स्मेल नहीं आएगी, ये गारंटी है। और कपड़े भी आपके इतने शाइनी और सॉफ्ट होंगे, जब आप उनको धो के सुखाएंगे तो आपको लगेगा इतने सॉफ्ट कैसे हो गए कपड़े। तो ये कंडीशनर का काम करता है। ये बॉटल जो है ये मेरे को मिली थी 245 की, ठीक है, और इसका जो नेट क्वालिटी है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। इसकी जो नेट क्वालिटी है वो है इस बॉटल की 850 ml, देख सकते हैं आप, नेट वॉल्यूम जो है 850 ml है इस बॉटल का, ठीक है। उसके ऊपर लिखा हुआ है परफ्यूम डीलक्स कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, देखिए, और रॉयल खुशबू, इसकी जो स्मेल है वो बहुत अच्छी है। अब इसको आप मशीन में भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप बकेट में कपड़े धो रहे हैं तो उनमें भी आप यूज़ करते हैं। तो हैंड वॉश के लिए ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर डिटर्जेंट वॉश 1/2 कप ऑफ कम्फर्टर इन अ बकेट ऑफ वाटर 5 लीटर, मतलब 5 लीटर बकेट में अगर आपने हाथ से कपड़े धो लिए हैं, धोने के बाद इसको यूज़ करना है, कपड़े धोने के बाद में आपको 5 लीटर वाली जो आपकी बकेट है उसमें सिर्फ 1/2 कप ही इसको डालना है और 5 मिनट के लिए इसको सोक करना है। इसमें लिखा हुआ है कि इसको आप कैसे यूज़ करना है, तो 5 मिनट के लिए आप इसको सोक करना है और 10 वॉश्ड क्लॉथ इन द बकेट कंटेनिंग कंफर्ट फॉर 5 मिनट, मतलब 10 कपड़ों को एक साथ आप बकेट में 5 मिनट के लिए डालें और फिर इसको सुखा दें। रिमूव क्लोथ एंड ड्राई, डू नॉट रिंस क्लोथ इन वाटर आफ्टर यूजिंग कंफर्ट। अगर आपने कंफर्ट ये यूज़ किया है तो आप उनको, मतलब कि निचोड़े नहीं, जैसे आपने बकेट से निकाल के सीधा ही सुखाना है। ये है हैंड वॉश के लिए। वॉशिंग मशीन के लिए ये है कि फ्रंट लोड जो अगर आपके पास मशीन है तो आप उसमें पॉर 1 कप कम्फर्ट टू द सॉफ्टनर कंपार्टमेंट एट द सेम टाइम एज यू एट डिटर्जेंट, ठीक है। अगर आपकी फ्रंट लोड है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि फ्रंट लोड जो है वो बार बार नहीं खुलती है, तो जहाँ आप डिटर्जेंट डाल रहे हैं उसी टाइम पे आपको ये कंफर्ट डाल देना। और अगर आपकी है टॉप लोड मशीन है तो उसके लिए क्या, या फिर सेमी ऑटोमेटिक है, उस टाइम पे क्या करना है, आपको 1 कप कंफर्ट लेना है और डायरेक्टली ही वॉशिंग टब इन द लास्ट रिंस साइकिल। तो
जो आपकी टॉप लोड मशीन है या फिर सेमी ऑटोमेटिक, उसमें आपको क्या करना है कि आपको एक कप ही डालना है, बट आपको जब आपका लास्ट का जो 10 मिनट बचता है, लास्ट साइकिल जो रिंस की रहती है, उस टाइम पे आपको डायरेक्ट डालना है, ना कि उस डिटर्जेंट वाले कंपार्टमेंट में। और फ्रंट लोड में जो है, जब आप डिटर्जेंट डाल रहे हो, उसी के पास में एक और कंपार्टमेंट रहता है, उसके साथ ही आपको डालना है, क्योंकि फ्रंट लोड बार खुलती नहीं है। और टॉप लोड में आप डायरेक्ट मशीन वाले टब में ही डालेंगे। फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो मैंने ये 2-3 यूज़ किए हुए हैं, और एक गोल्डन कलर का आता है वो भी यूज़ किया हुआ है। कम्फर्ट की जो है खुशबू, चाहे आप कोई सा भी लो, बहुत अच्छी होती है। सबसे अच्छी जो स्मेल की बात करूँ तो मेरे को ये मॉर्निंग फ्रेश वाली जो है वो बहुत अच्छी लगती है, बाकी खुशबू भी अच्छी है, ऐसा नहीं है। और ये जो पैक आता है ये 2 लीटर का है। अगर आप चाहें कि आपको ये महंगा पड़ रहा है, तो आप इस ये रिफ़िल में, सबसे अच्छी बात है कि इसकी आपको ये रिफ़िल मिल जाती है, तो ये 2 लीटर की जो है रिफ़िल है, आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे करना है। और ये जो रिफ़िल है, इसका जो प्राइस है, तो ये जो है ये 480 का है, और ये सुपर सेवर पैक में मिल रहा है, तो उसमें ये 240 का पड़ा था हमको, और ये 2 लीटर का है। डायरेक्शन जो है वो आपको उस रिफ़िल में भी मिल जाएंगे, आप चाहें तो आप रिफ़िल भी खाली ले सकते हैं, और अपने किसी और बॉक्स में इस तरीके के आप स्टोर कर सकते हैं। मैंने क्योंकि सबसे पहले इसकी छोटी बॉटल ट्राई की थी, क्योंकि सॉफ्ट टच के साथ में मेरे साथ हुआ था कि मैंने बड़ी बॉटल ले आई थी और उसकी स्मेल मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो उसको ख़त्म करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसलिए मैंने इनकी जो है छोटी बॉटल भी आती है, सॉफ्ट टच की भी आती है, बट मैं बड़ी ले आई थी। बाद में एक और उसका फ्रेग्रेंस था सॉफ्ट टच का, उसकी फिर मैं छोटी बॉटल आई थी। तो ये देखिए इस तरीके से इनकी छोटी बॉटल आती है, और इसका प्राइस है 58 रुपीज़। तो अगर आपको ट्राई करना है, ट्राई बेसिस पे लेना है, तो आप इनकी छोटी बॉटल ले सकते हैं। तो मेरे को कंफर्ट की बनिस्पत सॉफ्ट टच की, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट उसके बनिस्पत मेरे को इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी लगी। और इस तरीके से ये कैप आती है, तो ये एक कैप ही आपको अपने कपड़ों में डालनी है। वॉशिंग मशीन में आपको एक ढक्कन डालना है, और बकेट में आप 10 कपड़े डाल रहे हैं, उसके लिए आपको आधा ढक्कन डालना है। तो जैसा कि इसके पाउच पे भी मेंशन किया गया है कि इसकी जो है फ्रेग्रेंस वो फ्रेश है, यानी ऑर्डर की जो है वो आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रोटेक्ट आपका टेक्सचर जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा, यानी एंटी फजीनेस है, और परफेक्ट फिट रहेंगे, एंटी शेप लॉस है, और शाइनिंग क्लोथ्स एंटी फेडिंग, मतलब आपके क्लोथ जो हैं वो शाइन रहेंगे, उनका जो है फेड नहीं होंगे, और रीटेंस सॉफ्टनेस यानी एंटी रफनेस, मतलब आपके कपड़े जो हैं वो रफ़ नहीं दिखेंगे। और ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की है कि जैसे ही मैं मशीन से कपड़े निकाल के जब सुखाती हूँ, तो ये काफ़ी जो है कपड़े इतने सॉफ्ट लगते हैं, जैसे हम कंडीशनर अपने बालों में करने के बाद में जैसे कैसे हमारे बाल कंडीशनर से सॉफ्ट हो जाते हैं, उस तरीके से ये जो है सॉफ्ट कर देता है कपड़ों को। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने किसी वीडियो में देखा था ऐसे कि ऐसे फैब्रिक कंडीशनर आता है, तब मैं ये इनकी बॉटल जो है छोटी बॉटल एक, और ये ब्लू वाले की भी मैं छोटी बॉटल ला चुकी हूँ। तो ऐसी मैं बॉटल फिर पहले टेस्ट के लिए पहले सॉफ्ट टच लेके आई, फिर वो मेरे को नहीं जमा, तो फिर मैं ये लेके आई, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरे को लगा कि जिन लोगों को नहीं पता कि इस तरीके से एक फैब्रिक का भी यानी कपड़ों का भी कंडीशनर आता है, जिसको आप हाथ से धो तो भी यूज़ कर सकते हो, मशीन से भी यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया। आप देख सकते हैं मैंने और बहुत यूज़ किया इसको मैंने, और काफ़ी जो मैं संभाल के रख सकी वो संभाली है वीडियो के लिए। तो मैंने काफ़ी इसकी लगभग इसकी सारी फ्रेग्रेंस मैंने ट्राई की है, सारी फ्रेग्रेंस अच्छी है, कोई इरिटेट वाली नहीं है। कि कपड़ों को आप और नया और बिना रफ़ हुए, क्योंकि हार्ड वाटर की प्रॉब्लम सब जगह रहती है, तो इससे ये हार्ड वाटर में भी आपके कपड़ों को जो है वो अच्छे रख पाएगा, रफ़ नहीं होने देगा, फेड नहीं होने देगा, क्योंकि हमारे बहुत महंगे महंगे कपड़े होते हैं वो हार्ड वाटर की वजह से या साथ में धोने की घिसने की वजह से ऐसे ख़राब हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं या लटक जाते हैं, तो उन कपड़ों को ये ख़राब नहीं होने देगा, उनके रेशों को नया बनाए रखेगा, नए एकदम नए शाइनी बने रहेंगे। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने यूज़ किया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि मेरे को भी ये किसी वीडियो के थ्रू ही पता चला था कि इस तरीके से कपड़ों का जो है फैब्रिक कंडीशनर आता है।
तो आप भी अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ये इस तरीके का कंफर्ट जो आता है फैब्रिक कंडीशनर, वो आप अगर हाथ से धो रहे हैं या मशीन से धो रहे हैं, दोनों में यूज़ हो जाता है, तो वो भी यूज़ करके अपने कपड़ों को नए और शाइनी बना सके। वो जो मेरी तरह कपड़ों को लेके बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं कि कपड़ों की शाइन चली गई, फेड हो गए, पुराने हो गए, तो ये आपके कपड़ों को नया बना के रखेगा। तो अगर ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने तक मत रखना, शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब, आपको पता ही है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना। फिर मिलती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा।